सब्सक्राइब करें इंडियन टेक गुरुकुल चैनल को, साथ में प्रेस करें बेल आइकन सबसे पहले बेस्ट टेक वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लिनोवो टैब P12 प्रो के बारे में। जानेंगे दोस्तों इसकी क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है, क्या ये एक ट्रू सक्सेसर देखने को मिल जाती है P11 प्रो के ऊपर, सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो में। चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इसकी डिस्प्ले से, तो यहां पर आपको देखने को मिल जाती है 12.6 इंच की एक फुल एचडी प्लस एमोलेड पैनल। तो दोस्तों जो यहां पर डिस्प्ले क्वालिटी होगी वो प्रीमियम किस्म की आपको देखने को मिल जाती है। ओवरऑल जो यहाँ पर आपको कलर्स वगैरह देखने को मिलेंगे काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। तो एमोलेड पैनल है तो यहाँ पर आपको सैचुरेटेड कलर्स देखने को मिलेंगे, तो काफी यहाँ पर आपको ब्यूटीफुल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। साथ में यहाँ पर आपको जो ब्लैक्स होंगे काफी ज्यादा चंकी ब्लैक दिखाई देंगे। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले में अगर आप मूवीज वगैरह देखेंगे या फिर कुछ और भी काम करते हैं तो आपको काफी प्रीमियम एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको काफी अच्छी डिस्प्ले दी गई है। इसकी पीक ब्राइटनेस की बात करें तो आपको 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको सनलाइट वगैरह में काफी इजी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो बात करें इसकी रैम एंड स्टोरेज की, तो यहाँ पर आपको 6GB की रैम देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इसकी मदद से आप काफी अच्छे से मल्टीटास्किंग वगैरह कर पाएंगे, आपको कोई लैग स्टटर्स देखने को नहीं मिलेंगे मल्टीटास्किंग के दौरान। साथ में यहाँ पर आपको 128GB की UFS 3.1 वाली स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों काफी ज्यादा फास्ट स्टोरेज यहाँ पर दी गई है, आप इजी तरीके से अपने फोटोज वीडियोज यहाँ पर स्टोर कर रख सकते हैं और जब चाहे उनको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफी ज्यादा फास्ट एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। 1TB तक का एक्सपेंडेबल स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है, तो ये काफी अच्छी चीज है कि यहाँ पर आप 1TB तक का मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। साथ में बात करें इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 870 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों एक फ्लेक्सिव एसओसी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप हाई एंड गेमिंग वगैरह करें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी लैग स्टटर्स देखने को नहीं मिलेंगे। चाहे आप पबजी 60 FPS में खेलें आपको कोई लैग्स नहीं देखने को मिलेंगे। साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह करने के लिए भी काफी सारे टूल्स वगैरह दिए गए हैं, काफी तरीके से आप वीडियो एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये लेट है यहाँ पर आपको हैवी टास्क के लिए डिजाइन की गई है, तो यहाँ पर आप सारी की सारी हैवी टास्क काफी इजी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। कैमरास की, तो आपको बैक में देखने को मिल जाता है 13+5 मेगापिक्सल का कैमरा। दोस्तों फ्रंट में आपको देखने को मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा। अब दोस्तों जो फ्रंट वाला कैमरा है वो TOF सेंसर के साथ में भी आता है, तो ये आपके जो फेस रिकॉग्निशन वगैरह है उसमें हेल्प करेगा, आपकी टैबलेट की सिक्योरिटी को थोड़ा इनहेंस करने में मदद करेगा। तो दोस्तों स्टेप से यहाँ पर आपको TOF सेंसर भी दिया गया है। तो ओवरऑल जो कैमरा की क्वालिटी है वो आपको अच्छी किस्म की देखने को मिल जाएगी टैबलेट के हिसाब से। तो स्टेप से यहाँ पर आपको कैमरास देखने को मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों कुछ और चीजों की बात करूं तो यहाँ पर आपको 8000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि दोस्तों आराम से आपकी टैबलेट को दिन भर आराम से चला देगी। आप इजी तरीके से अगर आप नॉर्मल यूज करेंगे तो दिन भर चला सकते हैं, बाकी हैवी यूज करेंगे तो आप अप्रोक्स 5 से 6 घंटे ही चला पाएंगे। तो स्टेप से यहाँ पर आपको बैटरी देखने को मिल, इस टैबलेट के अंदर आपको क्वाड स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों JBL की तरफ से आते हैं। तो दोस्तों सेम स्पीकर्स आपको लास्ट इसके जनरेशन टैब P11 प्रो में भी देखने को मिलते थे, वहां भी जो स्पीकर्स की क्वालिटी थी आपको प्रीमियम किस्म की देखने को मिलती थी। यहाँ पर अब भी आपको जो स्पीकर्स की साउंड्स है काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो स्पीकर्स के मामले में भी एक तरह से लिनोवो ने काफी अच्छा काम किया है। बाकी दोस्तों कुछ और चीजों की बात करूं तो यहाँ पर आपको जो पोर्ट्स है, यहाँ पर USB का 3.2 जेन वाला पोर्ट देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इसके अंदर अपनी पेन ड्राइव लगाते हैं या फिर कोई भी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव वगैरह कनेक्ट करते हैं तो आपको काफी ज्यादा फास्ट स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो आप इसके थ्रू एक तरह से डाटा ट्रांसफर वगैरह करेंगे तो वो काफी फास्ट स्पीड से हो जाएगा। साथ में यहाँ पर आप डिस्प्ले पोर्ट वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट 3.2 जेन वाला पोर्ट देखने को मिल जाता है। और दोस्तों यही नहीं, यहाँ पर आपको 4 पोको पिंस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप काफी इजी तरीके से जो एक्सटर्नल कीबोर्ड्स हैं जो स्पेशली टैबलेट्स के लिए आते हैं काफी अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको दोस्तों कोई भी OTG वगैरह कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो आप इजी तरीके से यहाँ पर आप डायरेक्ट कीबोर्ड लगा सकते हैं, उसके टचपैड वाले कीबोर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीज भी काफी अच्छी है इस टैबलेट के अंदर। कनेक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको वाईफाई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ड्यूअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है, 5 GHz वाला 2.4 GHz वाला दोनों ही वाईफाई ये सपोर्ट करता है। साथ में यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो लेटेस्ट ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, आप इजी तरीके से अपने नेक बैंड वगैरह काफी अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जो 4G है वो इंडिया में जब ये स्पेसिफिक लॉन्च होगी तभी ये आएगा, अभी जो फॉरेन मार्केट में लॉन्च हुई है जहां पर USA में वहां पर तो अभी ये 4G वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, तो इसके लिए हमें वेट करना होगा। साथ में दोस्तों इसके सॉफ्टवेयर की बात करूं तो ये Android 12L पर रन कर रही है,
जो कि दोस्तों यार यहाँ पर आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है गूगल की तरफ से जो कि बड़ी डिवाइसेस के लिए डिजाइन किया जा रहा है। तो ये चीज मेरे को काफी पसंद आई कि यहाँ पर आपको एक तरह से स्पेशल एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर जो कि टैबलेट के लिए डेवलप किया जा रहा है वो देखने को मिल जाता है। लेकिन ये जब इंडिया में आएगी इसके अंदर यही सॉफ्टवेयर होगा या नहीं होगा इस चीज की मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता, क्योंकि दोस्तों वो सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अनस्टेबल हो सकता है क्योंकि एक न्यूली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये मान के चलिए अगर ये इंडिया में भी आती है तो आपको एंड्रॉइड 11 के ऊपर ये देखने को मिल जाएगी और हो सकता है आपको एक साल के अंदर या 6 महीने के अंदर आपको एंड्रॉइड 12L का भी अपडेट देखने को मिल जाए। पर आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे एंड्रॉइड 12 के भी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप एंड्रॉइड के सारे फीचर्स यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको स्टाइलस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा जो कि एक एक्टिव स्टाइलस होगा। आप काफी तरीके से पाम रिजेक्शन के साथ अपने नोट्स वगैरह ले सकते हैं, यहाँ पर ड्राइंग कर सकते हैं। आपको लेटेंसी तो देखने को मिलेगी काफी ज्यादा कम देखने को मिलेगी, तो इसी तरीके से आप ड्राइंग वगैरह कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी दोस्तों बात करें लिनोवो टैब P12 प्रो की प्राइसिंग के बारे में, तो इसकी जो यूएसए में प्राइसिंग अभी यूएसए में हाल ही में लॉन्च हुई है, इसकी प्राइसिंग आपको वहां पर 44,000 रुपीज देखने को मिल जाती है। तो आप मान के चलिए जब इंडिया में आएगी तो 45,000 से 50,000 रुपीज के बीच में देखने को मिल जाएगी। तो उस प्राइस पर मैं बोलूंगा वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट्स आपको देखने को मिलेगी एक एंड्रॉइड टैबलेट, क्योंकि जनरली एंड्रॉइड टैबलेट्स आपको देखने को मिलती नहीं है इतनी अच्छी, इसके अंदर आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों ओवरऑल ही काफी बढ़िया टैबलेट आपको देखने को मिल जाती है, यहां पर आपको प्रीमियम डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, साथ में फ्लेक्सिबल एसओसी देखने को मिल जाती है, एक्टिव स्टाइलस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, कीबोर्ड यहां पर आप अटैच कर सकते हैं, और दोस्तों जो डिस्प्ले का फॉर्म फैक्टर है वो काफी बड़ा दिया गया है तो आप एज ए लैपटॉप भी इसको यूज कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट है जो कि एंड्रॉइड पर रन कर रही है, ये आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर आपको इंडिया में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों मैं कहूंगा एक बढ़िया टैबलेट है जो कि इंडिया में आने वाली है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप ऐसी टैबलेट से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, यहां पर आपको लेटेस्ट टैबलेट्स वगैरह की न्यूज लाकर देता रहता हूं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।